हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे 3.2 ट्वेल्थ क्लास एनसीईआरटी मैथ के 8th सम से। मैंने 1 to 6 सम पहले वीडियो में बनाए हैं और उसके साथ मैंने एग्जांपल भी बताए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लें। मैंने उसके बारे में इसमें जो सम यूज़ होंगे, कैसे वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मैंने उसके बारे में बता रखा है। तो ध्यान से करते हैं। फाइंड एक्स, आपके यहाँ क्या फाइंड करना है? एक्स, अगर आपके पास वाई ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 1 0 3 -3 और 2 की, तो आपको उसको सोल्व करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे y की वैल्यू पहले पुट कर देंगे या फिर y को दूसरी तरफ ले जाएंगे सीधा ही, तो नेगेटिव y होगा, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा। जैसे आपको यहाँ पर दिखा रखा है, ये था, आपने बाहर माइनस का निशान लगाया और अंदर लिख दिया। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी ये वाली, -2 -2 -4 -2। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हाँ 2 से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में तो ये है एक्स के यहाँ पे इक्वल के दूसरी तरफ आके ये डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1 -1 -2 -1, ठीक है। आपका 9th सम क्या है? एक्स और वाई फाइंड करना है जब आपके पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन है आपके पास। तो इसमें देखेंगे कि आप 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ये चीज़ में ऐड कर लेंगे और इक्वल में रख देंगे ये, तो आपके पास 2 + y = 5 आ जाएगा, जिससे आप वाई की वैल्यू क्या निकाल लेंगे? 3, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है, 2 को आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास ये बच गया, आपने ये ऐसे कैसे रख दिया और यहाँ पे भी ऐसे कैसे रख दिया। जब आप इसको प्लस कर लें तो आपके पास बन जाएगा ये चीज़ इक्वल टू, ये चीज़ चल रही है आपके पास। अब आप कंपेयर करेंगे कि मैट्रिक्स में अगर दोनों इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। मैट्रिक्स इक्वल तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल, लेकिन मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट्स में नहीं। ध्यान देने की बात यह है कि मैट्रिक्स का निशान ये है और डिटर्मिनेंट का ये है, मतलब ये है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है। पेपर में कई बार ये दे देते हैं और बच्चे ये समझ के इसको सॉल्व कराते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स इक्वल है, लेकिन यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट का निशान डाल देंगे मैट्रिक्स को हटाकर, और आप सोचते रह जाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। आपको लगेगा कि ये सीधा ही 2y की वैल्यू आप 3 दे आएंगे, यहाँ पर 2 + y = 5 कर आप सीधा सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट्स को मैं अपने अगली वीडियो में बताऊंगा जब डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर आएगा, ठीक है। तो आपने वाई की वैल्यू निकाल ली, इसी तरह से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों की वैल्यू 3 3 आएगी। अब आपका 10th सम शुरू होता है। 10th सम में क्या कहते हैं? सोल्व करना है इक्वेशंस को 4xyz एंड t, मतलब यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू बतानी है क्या क्या आएगी। आपके पास इक्वेशन ये है, आपको 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है xyz t को, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है 1 0 -1 2 को, और 3 को 3 से फिर इधर भी मल्टीप्लाई करना है। आपने मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास ऐसे ये आ जाएगा, फिर आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है, आपके पास ये आएगा। अब मैट्रिक्स में मैंने आपको ऊपर बताया कि इक्वल होते हैं, तो आपको 2x + 3 = 9 करना है, 2z - 3 = 15 करना है, 2y = 12 करना है, 2t + 6 किसके इक्वल रखना है? 18 के। आपको ध्यान से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपेयर कर रखा है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो वो भी इक्वल होंगे, जिससे आपकी वैल्यू आ जाएगी x की 3, y की 6, z की 9 और t की भी 6 आ जाएगी, यानी कि 3 6 9 6। आपका 11th सम शुरू होता है। अब इलेवंथ सम क्या कहता है? इफ एक्स वाई आपके पास ही है तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे, तो आपके पास दो इक्वेशन टाइप बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे 2x - y = 10 और 3x + y = 5 आ जाएगा। आप इसको कोई सी मेथड से यूज़ कर सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दोनों मेथड से, किसी भी मेथड से आपको जो आसान लगे आप वो मेथड यूज़ कर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आपकी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी, और वाई की वैल्यू आएगी -5।
फोर, ठीक है। अगर आपको कोई सम समझना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आपको शर्माने की जरूरत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या कुछ सम समझ आया या नहीं आया। अगर समझ आ गया तो यस, नहीं आया तो कौन सा सम नहीं आया उसको लिख के नो मुझे भेज देना, मैं आपको सम वो दोबारा से समझा दूंगा। अब क्या है आपके पास, 12th सम गिवन 3 है, आपके पास एक मैट्रिक्स है, किसके इक्वल, इसके मैट्रिक्स के इक्वल। आपको यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू भी है आपके पास, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले 3 से इधर मल्टीप्लाई करना होगा और इधर ऐड करना होगा, तो आपने इधर पहले ऐड कर दिया और उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास इक्वेशन और दोनों मैट्रिक्स ये आ जाएंगी। तो आपको बता रखा है कि मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पे जैसे आपके पास A11 क्या है और यहाँ पे A11 ये है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि 3x इक्वल में x प्लस 4। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 और ये इसका 1 2 इक्वल होगा, और यहाँ पे 2 1 इस 2 1 के इक्वल होगा, और ये 2 2 इस 2 2 के इक्वल होगा, ठीक है। जिससे आप एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, आप क्या करेंगे, एक्स को दूसरी तरफ ले आएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो आप 2 को नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, जिससे आपकी एक्स की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से आप वाई डब्ल्यू और जेड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आपकी एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की 2, वाई की 4, जेड की 1 और डब्ल्यू की 3, ठीक है। अब 13th सम करते हैं आप। यहाँ पे 13th सम क्या कहता है, इफ एफ एक्स आपके पास ये है, सो शो करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई आता है या नहीं। ये सम ज़्यादातर टीचर टेस्ट में आपको देंगे, स्कूल में कोई भी, आप कोई भी बोर्ड में हो, हरियाणा बोर्ड में या CBSE बोर्ड में, ये सम जरूर आता है। प्री बोर्ड में भी कभी कभी ये सम आ जाता है, ठीक है। और बोर्ड में तो आपको मिल ही जाएगा, चारों कोड में से एक कोड में तो मिल ही जाएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपके पास एफ एक्स क्या है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे साइन एक्स माइन कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 है, तो यहाँ पे आपके पास ये एफ एक्स है, तो आपको एफ एक्स इंटू एफ वाई मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे आपने एफ एक्स आपके पास ये है, और एफ वाई क्या होगा, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ आप वाई पुट कर देंगे, वो आपके पास एफ वाई आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप एफ एक्स प्लस वाई को निकाल लेंगे। एफ एक्स प्लस वाई कैसे निकालेंगे, जैसे आपने यहाँ पे पहले एक्स पुट किया फिर वाई पुट किया, तो आप यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई पुट कर देंगे, तो आपके पास कोस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 0 1 0 और 0 ऊपर साइन एक्स वाई, एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो आपको मल्टीप्लाई मैंने करना बताया हुआ है, कोस एक्स की किससे करेंगे, कोस वाई से, फिर साइन एक्स की माइनस साइन एक्स की प्लस साइन वाई से, 0 की 0 से, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे जिससे आपकी वैल्यूज़ आती जाएंगी, ठीक है। आपने फर्स्ट रो ली है तो यानी कि आप फर्स्ट रो में ही वैल्यू पुट करेंगे। अब आपने कॉलम कौन सी लिया, उस हिसाब से आप कॉलम के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करते जाएंगे। यहाँ पे जैसे आपने फर्स्ट रो ली है, तो आपने यहाँ पर फर्स्ट रो लिखनी है, फर्स्ट कॉलम ली है तो आपने पहले फर्स्ट कॉलम लिखा है यहाँ पे, फिर सेकंड कॉलम में लिखा है, फिर यहाँ पे थर्ड कॉलम में लिखा है, ठीक है। इस तरह से आपने सारी वैल्यूज़ को निकाल लेना है, तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को सॉल्व कर कर कोस एक्स वाई कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई एक प्लस 0, और सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे जब फर्स्ट रो को आप, तो आपके पास आएगा माइनस कोस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कोस वाई, और थर्ड फर्स्ट रो को सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने 2 1 वाली लाइन और 3 1 वाली कर लेनी है। तो आप ध्यान से देखेंगे, कोस एक्स माइनस कोस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई किसका फॉर्मूला होता है, कोस एक्स प्लस वाई का। यहाँ माइनस क्योंकि यहाँ नहीं आया, क्योंकि ये प्लस का फॉर्मूला होता, अगर यहाँ प्लस होता तो आप माइनस का लगाते, ठीक है। इस तरह से आप कोस एक्स साइन वाई, यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, कोस एक्स साइन वाई साइन एक्स कोस वाई, यानी कि ए साइन ए ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो आपके पास बन गया साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये दोनों भी फॉर्मूलाज होते हैं, ये किसका होता है फर्स्ट वाला, किसका होता है साइन एक्स प्लस वाई का, और ये कोस
एक्स प्लस वाई का, तो आपको यही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया है। 14th सम में क्या कहता है, शो करना है कि इनकी मल्टीप्लाई इनके को इसके को नहीं आती। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और ये बी, ये ध्यान देखेंगे ये ए है और ये बी है, लेकिन इस टाइम पे ये बी और ए बन गया, ठीक है। जैसे पहले आपके पास बी बी ये था और ए ये है, अब आपके पास ये है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ए इंटू बी इक्वल नहीं आता किसके, बी इंटू ए के, ठीक है। तो ये पहले ही पता है अपने ऊपर, आपको एग्जामिनर को दिखाना होगा कि ये कैसे को नहीं आएगा। तो आपने पहले मैट्रिक्स लिख दी दोनों, आपने मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करने, मल्टीप्लाई कर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, ठीक है, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से नहीं करेंगे, यहाँ पे थर्ड कॉलम है ही नहीं, ठीक है। जब आपके कॉलम कंप्लीट हो जाए फिर आप सेकंड रो को उठाएं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, इस तरह से आपका सब आसानी से हो जाएगा। लेकिन प्लस का ध्यान रखना है, प्लस कहाँ लगेगा, माइनस का कहाँ लगेगा, माइनस माइनस कटेगा या नहीं कटेगा, उस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आ गया ए इंटू बी, आ गया आपके पास 7, 1, 33, 34। अगर आप अब जो आपके पास सेकंड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स थे उसको आपने फर्स्ट मैट्रिक्स पे लिख दिया और फर्स्ट वाली को सेकंड पे, अगर आप प्लस करते अगर तो दोनों इक्वल आते, लेकिन मल्टीप्लाई पे इक्वल नहीं आएंगे। ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास आ गया 16 और 5। फिर आप करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 39, फर्स्ट रो और सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम जो आएगा 25। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो ये आपका प्रूव हो गया। इसी तरह से आप सेकंड पॉइंट भी सॉल्व करके देखना, मैं आपको उसका दिखा देता हूँ कि कैसे है, ठीक है। आप इसकी शॉर्ट रखने लीजिए, अगर आपको समझना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब 15th सम शुरू करते हैं। 15th सम क्या कहता है, ए स्क्वेयर माइनस 5 ए प्लस 6 i, ठीक है। तो आपके पास a दिया हुआ है, तो आपने ये फाइंड करना है क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा 2 आएगा, ठीक है, वो सॉल्व करना है। तो आपको ए स्क्वेयर कैसे फाइंड कर सकती हैं, a इंटू ए से, यानी कि इसी को इसी से मल्टीप्लाई करना है। आपको मैंने सिखाया हुआ मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो को भी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर थर्ड कॉलम को भी सॉरी थर्ड रो को भी फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 5 - 1 - 2, 9 - 2 - 5, 0 - 1 - 2 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ए स्क्वेयर आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपके पास इक्वेशन है ए स्क्वेयर माइनस 5 ए प्लस 6 i, ठीक है, तो उसको सॉल्व करना है आपने। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस i को आपको मैंने बता रखा है, i कैसे लेते हैं, i होता है 1001। अगर 3 ऑर्डर 3 की है तो आपके पास ये आ जाएगी, सेकंड ऑर्डर की होती तो सिर्फ इतनी आती, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर ले, माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर दें अंदर, या फिर 5 को मल्टीप्लाई कर दें उधर, 6 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, फिर आप इसको प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप प्लस का 5 है और माइनस का 10 है, तो क्या आ गया आपके पास, माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 आ जाएगा। और फिर आप माइनस 1 को माइनस 0 से माइनस करेंगे, माइनस 0 माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 1, 2 - 5 - 3 आएगा। इस तरह से आप बाकी वैल्यू भी निकाल लेंगे, और आपके पास ये एज इट इज़ चल रहा था। अब ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास दोनों को प्लस करने, जो आपके पास आ गया दोनों जैसे उसको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये वाली मैट्रिक्स आएगी जो आपने निकालनी थी, मतलब आपकी वैल्यू अब ये आ गई, ठीक है। अब आपके पास 16 क्वेश्चन क्या है, 16 क्वेश्चन भी वैसे ही जैसे 15 है, और इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता रखी है। यहाँ पे ए क्यूब कैसे निकालेंगे, पहले ए स्क्वेयर निकालेंगे, ए स्क्वेयर कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए कर, ठीक है, उसके बाद आप उसको ए स्क्वेयर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए स्क्वेयर,
ठीक है। आप एक आपके पास अब ए स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी इसकी, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है ए को, और 2 को मल्टीप्लाई करना है आई से, तो आपके पास इनकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, मैं आपको ये सम करवा नहीं रहा, आपको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझ लें और शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ये सम बड़े हैं इसलिए मैं आपको ये नहीं करवा रहा, मैंने आपको क्योंकि पहले ही समझा रखा है कि ये कैसे होगा, अगर आपको फिर भी समझना है तो आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है ना, ध्यान से कर रहे हैं सम, सारे इम्पोर्टेंट सम हैं एनसीईआरटी के पेपर में, इसी में से पूछते हैं हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले अब आप करते हैं 17 सम, आपको 16 का सेकेंड पॉइंट आ गया होगा, वो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो आप 17 सम करते हैं स्टार्ट, इसमें क्या बोल रहा है आपके पास, इफ़ ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, बी और आई मैट्रिक्स आपके पास ये है, तो फाइंड करो के की वैल्यू। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन गिवन है ये वाली, तो आपने इसी के अकॉर्डिंग आपने इक्वेशन को बनाना है। ए आपके पास है, ए स्क्वायर कैसे आएगा, ए इंटू ए से, तो आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 को 4 से, जब आपकी मल्टी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो जाए, आप फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यूज़ निकाल लें, आपके पास ए स्क्वायर ये आ जाएगा, ए स्क्वायर आ गया आपके पास ये, तो आपको के ए निकालना है, यानी कि ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करना है, और 2 को आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, आई मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, इनको प्लस या माइनस जो भी है, जैसे आपके माइनस है 3 के माइनस 2 करना है, और मैट्रिक्स दोनों इक्वल चल रही हैं, तो मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि 3 के माइनस 2 इक्वल टू 1 होगा, यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई 1, तो आपकी वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप कोई भी ले लीजिए, जैसे आपने ये दिखाया था मैंने आपको, आप चाहे ये ले सकते हैं 4 के इक्वल टू 4, जब आपने लिखा 4 के इक्वल टू 4, ठीक है, तो आपकी के की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि 4 इसकी जगह डिवाइड में आएगा, तो 4 से 4 कट गया, तो आपके पास के की वैल्यू 1 आएगी। आप इन दोनों को भी देख सकते हैं, आपके वैल्यू सेम आएगी कि के की वैल्यू 1 ही है। अब आपका 18 सम शुरू करते हैं, 18 सम में क्या कहता है आपके पास, मान लीजिए ए मैट्रिक्स ये है, इफ़ ए मैट्रिक्स एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर की लेनी है, मतलब टू ऑर्डर की, मतलब 2 × 2, यानी कि 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, शो करना है आई प्लस ए किसके इक्वल है, आई माइनस ए के, मल्टीप्लाई करना है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, ये सब थोड़ा मुश्किल है, तो इसको ध्यान से समझ लेना, आपका समाज ये लास्ट होगा। ठीक है, बाकी क्लास में अगली वीडियो में लगाऊंगा आपकी। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई प्लस ए। ठीक है, जैसे आपको यहाँ दिखा रखा है, आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1, और 3 ऑर्डर 3 के पहले ही आपको मैंने दिखा दी है, और ए मैट्रिक्स क्या है, 0 − tan α/2 यहाँ, और नीचे 10α/2 और 0 आपके पास ए मैट्रिक्स ये थी, देखिए ये रही। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपने, तो आपने इसको ऐड कर दिया, तो आपके पास आ गया 1 − tan α/2 tan α/2 1। ठीक है, अब आपने राइट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड आपके पास माइनस आई है, आई माइनस ए है, और इनटू में आपके पास ये चल रहा है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख देनी है आई की और ए की, तो आपने इनको सॉल्व किया तो आपके पास आ गया ये, तो आपने को फिर इससे मल्टीप्लाई करनी है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे कोस अल्फ़ा से, 10α/2 की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी तरह से आप 1 और 10α/2 की करेंगे साइन माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा से, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसी तरह से आपने सबको मल्टीप्लाई करना है, आपकी इक्वेशन आ जाएगी ये। ठीक है, उसको अब आपने देखना कि इक्वल आ रहा है, अभी इक्वल नहीं आ रहा, तो आप इस पर फॉर्मूला लगाएंगे एक, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि किसका फॉर्मूला है, यहाँ पर
फॉर्मूला है 1 - 2 sin² α/2। ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे किसका है, कोस अल्फ़ा का। कोस अल्फ़ा की जगह आपने ये लिखा है, मैंने आपने पहले वीडियो में आपको बता रखा है कि 1 - cos α वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कोस एक्स वाला, ठीक है। तो उससे आप ये निकालेंगे, अगर प्लस होता तो आप कोस वाला लिखते यहाँ पे, लेकिन यहाँ माइनस वाला है तो आप ये कर देंगे, ठीक है। और अब आप ध्यान से देखें तो आपके पास आपने ये सॉल्व कर दिया, लेकिन अब आप करेंगे साइन अल्फ़ा को सॉल्व। साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या होती है, 2 sin α/2 cos α/2, और टेन आपके पास चल रहा था। इसी तरह से आप बाकी दोनों को भी सॉल्व कर लेंगे। आपके पास माइनस साइन है, जिससे आपने जैसे यहाँ पे आपकी वैल्यू ये आई थी ना, ये वाली इसी से यहाँ पे आई है, और कोस अल्फ़ा की वैल्यू ये आई है 2 cos α - 1। यहाँ पे देखिए -2 है यहाँ, अगर मतलब आपके पास 1 - cos होता तो साइन लिखते, 1 + cos है तो आप कोस वाला करा है आपने। इस तरह से आपने नीचे भी फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके पास ध्यान से देखें, 1 - 2 sin² α/2 है ये वाला, और ये ध्यान से देखेंगे साइन स्केयर कर देंगे इसको, 10α/2 को आप खोल देंगे। जैसे आप लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस, तो आपने लिख दिया साइन बाय कोस, तो कोस से कोस कट जाएगा। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने इस टेन को क्या लिख दिया, इस टेन को साइन बाय कोस, ठीक है, α/2 दोनों में चल रहा है, ठीक है। तो अब कोस नीचे, यहाँ पे आपके पास कोस इंटू में भी है, तो आप कोस α/2 से कोस α/2 काट देंगे, तो आपके पास क्या बच गया, साइन स्केयर, और यहाँ पे भी साइन स्केयर था, साइन था, और दोनों यहाँ पे भी साइन था, तो आपने इनकी मल्टीप्लाई की तो वो साइन स्केयर बन गया। इसी तरह से आपने यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो आपके पास ध्यान से देखेंगे तो ये 2, ये भी 2, तो ये कट जाएगा, तो आपके पास ये क्या बच गया, 1, ठीक है। और अब इस पर ध्यान से देखेंगे, इस पर भी फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या चीज़ लगी है, ये वाला तो एक फॉर्मूला था, ये एक था और ये अलग था, तो आपने यहाँ पे सबसे पहले इसको ऐसे रखा, और इस चीज़ को आपने दोबारा फॉर्मूला लगा दिया इस पर। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin α/2 cos α/2, ठीक है, 2 cos² का, कोस 2 cos² का नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 को अलग कर दीजिए, ठीक है। फिर cos² α/2 - 1 क्या होता है, sin² α/2, ठीक है, वो साइंस केयर का आपने क्या दोबारा फॉर्मूला, साइंस केयर पे दोबारा लग जाएगा, वो होगा sin α/2 cos α/2, ठीक है। आपने यहाँ पे ये कर दिया, उसके बाद 10 को वैसे ही लिख दिया। फिर आप ध्यान से देखेंगे कि आपके पास ये बन जाएगा, तो आपका यही इसके इक्वल आना था। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, बाकी 23rd सन तक मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कोई समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको समझा दूंगा।